आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, और जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये कहानी किसकी है और उसने कितना कुछ झेला है अपनी जिंदगी में, और कैसे उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक 18 साल के लड़के की जो लगातार 4 साल से वीरनाश कर रहा था। जिंदगी ने उसे कई बार वार्निंग दी कि तू खुद को बर्बाद कर लेगा, पर वो कहां मानने वाला था। खुद की आग बुझाने के लिए ये बंदा ट्यूशन के बहाने हर शनिवार को वैश्याओं के घर जाने लगा था। इसके दोस्तों ने इसे बहुत समझाया पर ये नहीं माना। कुछ समय इसी तरह बीत जाते हैं, लेकिन एक सुबह जब इसकी नींद खुलती है तो इस बंदे को अपने मूत्र इंद्रियों में तेज दर्द महसूस होता है। कोई दवाई तक काम नहीं आ रही थी। फिर ये बंदा गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने टेस्ट किया जिसमें पता चला कि इस बंदे के मूत्राशय में एक जगह पर गांठ बन चुकी है। इसको पहले से समझ आ रहा था कि मेरी मूत्र इंद्रियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसने इस बात को भी हल्के में लिया था। दोस्त, ये बंदा इतना जबरदस्त तरीके से अश्लीलता में फंसा हुआ था कि जब तक ये थक हार नहीं जाता था तब तक ये वीरनाश करता था। जितने बार दिन में खाता नहीं था उससे ज्यादा तो वीरनाश कर लेता था। अब आपके मन में सवाल होगा कि उस बंदे की गांठ का क्या हुआ जो इसके मूत्राशय में हुई थी। अब देखो, उसके बाद इस लड़के की मम्मी को डॉक्टर ने बुलाया और बताया कि ये गांठ कैंसर जैसा लग रहा है। और दोस्त, यही वो वक्त था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जब बंदे ने डॉक्टर की ये बात सुनी तो वो समझ गया कि अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन रह गए हैं, या तो मैं जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दूं और अपनी मृत्यु का इंतजार करूं, या फिर इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढूं। हालांकि उस डॉक्टर ने एक बात और कही थी कि अगर जल्द से जल्द इलाज करवा लिया तो बहुत हद तक ठीक होने के चांसेस हैं। इस बंदे ने भी सोचा कि क्यों ना मैं इसे ठीक ही करवा लूं, जो होगा देखा जाएगा। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद ये आजाद हो चुका था। इसके बाद इसने ठान लिया कि मैं अब काम वासना का गुलाम बनकर नहीं रहूंगा, और सबसे जरूरी चीज, खुद को धोखा अब नहीं दूंगा। दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग ब्रह्मचर्य की कहानियों का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसको क्लिक कीजिए और मेरे से मिलिए उस वीडियो में। जय हिंद।